छात्राओं के लिए स्कूटी मुफ्त में मिलेगी, तो हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए 60 साल से ज्यादा वाली के लिए बस में मुफ्त सेवा मिलेगी। और भाई और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देने का काम किया है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में करने का काम किया है। और अगर मैं यहां पर कहूं, गुजरात के युवाओं ने तो गुजरात को, विकास को नए पंख लगाए हैं और उड़ान भरी है। और इसी दिशा में गुजरात में निवेश कैसे आया, आज की युवा पीढ़ी के सामने मैं विशेष तौर पर इस बात को रखना चाहता हूं, क्योंकि शायद 22 साल पहले तो उनको पता भी नहीं था, 30 साल पहले पता नहीं था गुजरात में क्या था। गुजरात में शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता होगा जब दंगे ना होते हो, जहां पर हिंसा ना होती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, सशक्त गुजरात, संपन्न गुजरात, समृद्ध गुजरात, ये भारत को भी सशक्त बनाने के लिए सशक्त गुजरात और विकसित गुजरात बहुत आवश्यक है। और ये जो लगातार प्रयास हुए हैं उस दिशा में, अब गुजरात को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अपने आप दिखाता है कि भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में गुजरात का भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि गुजरात का विकास सीधे तौर पर भारत के विकास के साथ जुड़ा है। और मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां एक और G20 प्रेसिडेंसी भारत को लाने का, देखिए, इतना बड़ा गौरव मिला है, वो आजादी के 75वें वर्ष में मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भारत की है। और अगले एक वर्ष में जो हमें देखने को मिलेगा, दुनिया भर के विकसित देश यहां पर आएंगे, उनके प्रतिनिधि भी आएंगे, और जैसे वन वर्ल्ड वन फैमिली और वन फ्यूचर की हम बात करते हैं, ये अपने आप में ही दिखाता है। वसुदेव कुटुंबकम के बात जब करते हैं तो विश्व को साथ में ले जाने की बात करते हैं, और गुजराती चाहे गुजरात में हो या विश्व भर में हो, अपना योगदान हर तरफ दिया है। और खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गुजरात आज से कुछ वर्ष पहले शायद कहीं नहीं था, लेकिन मोदी जी ने खेल महाकुंभ से शुरुआत की, उसके बाद भूपेंद्र भाई ने उसको आगे बढ़ाया। इस साल गुजरात ने देखा कि जो पिछले कई वर्षों से नेशनल गेम्स नहीं हो पाई, मात्र 3 महीने के समय में 36वीं नेशनल गेम रिकॉर्ड समय में और रिकॉर्ड गेम्स करवाने का काम किया, तो गुजरात ने किया। गुजरात की क्षमता है, नारायणपुरा में 600 करोड़ रुपए की लागत से जो स्टेडियम बन रहा है, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप में भविष्य में बड़ी खेलों का आयोजन करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में बना है। और यही नहीं, भारत अगर भविष्य में ओलंपिक्स का आयोजन करेगा, मेजबानी करेगा, तो उसके लिए भी उपयुक्त स्थान कहीं और नहीं, हमारे गुजरात में जो सुविधा है, सरदार पटेल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, शायद ही दुनिया भर में इतनी बड़ी जगह में सारी सुविधाएं एक जगह पर बनने का कहीं पर अवसर हो, गुजरात उस दिशा में काम कर रहा है। जब कोई बड़ी सोच की बात आती है, बड़े काम करने की बात आती है, तो गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। और गुजरात की बड़ी सोच ही गुजरात को आगे लेकर जा रही है, और गुजरात की बड़ी सोच ही भाजपा की बड़ी जीत इस बार दर्ज करवाएगी। क्योंकि गुजरात में तो यही लोग कहते हैं, मैं गुजरात हूं, भाजपा के साथ हूं। यह 27 साल का रिश्ता, ये अटूट बंधन, ये अपने आप में दिखाता है कि गुजरातियों ने मन बना है कि फिर एक बार कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और ना केवल दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैच्यू है सरदार पटेल जी का एकता नगर केवड़िया में, उसी तर्ज पर अब द्वारका में भी दुनिया की भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं बनेगी तो द्वारका में बनेगी। अगर पूरा कॉरिडोर बनेगा, एक रिंग रोड भी ऐसा बनेगा जहां पर सभी ऐसे आस्था के केंद्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। मित्रों, ये कोई केवल धर्म के प्रचार के लिए नहीं, ये आस्था के केंद्रों के साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके नई अर्थव्यवस्था खड़ा करने का एक मॉडल किया है, अपने गौरवशाली इतिहास को बचाकर संवारने का काम किया है।
और मैं तो ये कहूंगा कला संस्कृति संगीत को तो बढ़ावा दिया है।